जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे। 18 फरवरी 2023 को ये पावन पर्व हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, जिसका पूरा का पूरा लाभ लेना चाहिए। इस दिन व्रत करने का सबसे बड़ा महत्व और फल है। उसके बाद में आसपास कोई पवित्र नदी हो, तीर्थ हो, सरोवर हो, वहां जाके हमें स्नान करना चाहिए और भगवान शिव जी का स्वयं अथवा आचार्यों पुरोहितों को बुला करके जितना हमारा सामर्थ्य हो रुद्राभिषेक करवाना चाहिए। कुछ नहीं हो सकता तो स्वयं शिव मंत्र का हमें जाप करना चाहिए और शिव से संबंधित जो है हमें कह सकते हैं कि कथाओं को सुनना चाहिए। सबसे उत्तम तो यही है भैया मेरे, व्रत रहते हुए कुछ अगर हम रुद्राभिषेक आज नहीं करा सकते हैं तो शिव मंत्र का जो है अधिक से अधिक जाप करना चाहिए। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं ये विधि डाल दूंगा कि स्वयं हम जाप कैसे करें, उस विधि के अनुसार आप कर सकते हैं। व्रत रहने का बहुत बड़ा महत्व तो है, क्योंकि प्रभु जी ने स्वयं कहा है फाल्गुने कृष्ण पक्षस्य या तिथि शायद चतुर्दशी तस्याम या तामसी रात्रि शोचते शिवरात्रि का तत्रोपवासम कुर्वाणा, मतलब उस दिन हमें उपवास करना चाहिए। प्रसादेति माम ध्रुवम, मैं निश्चित ही प्रसन्न होता हूँ जो उपवास करता है। न स्नाने, मतलब मैं उस दिन अगर कोई स्नान किया तो अथवा हमको स्नान कराया, न वस्त्रे न धूपे न चार्चया, मतलब भगवान को उस दिन किसी ने स्नान कराया, वस्त्र पहनाया, धूप दीप किया आदि आदि किया, तुष्यामि न तथा पुखे यथा तत्रोपवासतः, मैं उतना जो है संतुष्ट नहीं होता हूँ जितना उपवास करने से होता हूँ। तो भैया मेरे, उपवास रहने का बहुत बड़ा महत्व तो है, हमें उपवास अवश्य रखना चाहिए। उपसमीपे वासा इति उपवासा, एक तो एक अर्थ है कि भगवान की अधिक से अधिक नजदीक तो प्रभु है ही, लेकिन हमें वहां रहना चाहिए। जैसे पंखा चलता है तो हवाएं जहां पर पंखा रहता है हमको वहां रहना चाहिए, इसी प्रकार से जो है मतलब हवा पाने के लिए, इसी प्रकार से उस दिन हमें किसी विशेष मंदिर में, देवालय में अथवा अपने घर में ही रहना चाहिए। संभव हो तो हमें आसपास कोई पवित्र नदी इत्यादि हो तो वहां स्नान करके आना चाहिए, विशेष मंदिर हो वहां दर्शन करने के लिए जाना चाहिए, और अपने घर में अगर शिव जी हैं तो आचार्यों पुरोहितों को बुला करके उनके द्वारा अभिषेक करवाना चाहिए, नहीं स्वयं भी कर सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा कि स्वयं रुद्राभिषेक कैसे करें, उस विधि से आप कर सकते हैं। चार प्रहर की पूजा की विधान है कि चारों प्रहर जो है पूजा करनी चाहिए, आठ भी करें तो बहुत ही उत्तम है, नहीं कम से कम चार प्रहर जो है पूजा अवश्य करनी चाहिए। रात्रि जागरण का बहुत बहुत बड़ा महत्व है। स्वयं मैं प्रयास कर रहा हूँ अपने चैनल की तरफ से कि रात्रि में रुद्राभिषेक और जागरण की संकीर्तन आदि के साथ में रुद्राभिषेक भगवान की आराधना करने का प्रयत्न करूंगा। जो भी इसमें जुड़ना चाहते हैं अवश्य जुड़िए, ना मन हो तो भी जुड़िए, और उसके लिए भैया कोई ऐसी अनिवार्यता नहीं है, पर बिना धन के तो कथा धर्म, बिना धन के तो धर्म होता नहीं है, तो इसलिए जो है धन की भी आवश्यकता लगेगी। जितनी आपकी शक्ति हो भी आप सहयोग कर सकते हैं। और स्वयं आया है जो है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशा मार देव महानिषि, मतलब महानिषि की रात्रि में शिवलिंगा तयोद्भूता कोट सूर्य समप्रभा, ये भी आया कि शिवलिंग का जो उद्भव हुआ था इसी महारात्रि में, महारात्रि में शिव पार्वती मैया का विवाह हुआ था, उसकी भी कथा है और भी बहुत सारी कथाएं जो समय समय पर आपको मैं देने का प्रयत्न करूंगा। पर सुनने से ज्यादा करना आवश्यक है, तो करना हमें ये है कि हमें व्रत रहना है। अगर हम बीमार हैं, शारीरिक स्थिति कुछ ऐसा है तो हमें जो है दूध फल इत्यादि लेके रहना चाहिए, और भी नहीं कर सकते हैं तो साबुदाना वगैरह नहीं खाना चाहिए, और भी जो है शकरकंदी है, कुछ सूरन है, टिन्नी का चावल है, इस प्रकार से कुछ चीजों को अगर शारीरिक रूप से आप परेशान हैं तो ले सकते हैं, और नहीं तो उत्तम है निर्जला रहना, नहीं तो जल पी के रहना, नहीं तो दूध पी के रहना, नहीं तो केवल एक समय फल खा के रहना। ऐसा नहीं कि दिन भर जल ही पिए जा रहे, फल ही खा जा रहे, तो भी आपका व्रत एक सामान्यतया हो ही जाएगा। शिव जी का ध्यान करना,
अनाप शनाप बातें नहीं करना और अधिक से अधिक शिव मंत्र का स्वयं जाप करना। जैसा कि मैंने बताया नीचे डिस्क्रिप्शन में ये स्वयं रुद्राप से कैसे करें और जब अनुष्ठान की विधि, दोनों लिंक में नीचे डाल दूंगा जिसको देख करके आप स्वयं कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद अर्पित कर पा रहा हूं वीडियो, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। तो और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, अगर लाइक लगे तो लाइक करो भैया, सब्सक्राइब भी करो और लोगों को कराओ। पुनः मिलूंगा नई जानकारी के साथ में। भोले बाबा की कृपा बनी रहे। जय सिया राम।